हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान गुरु चैनल में स्वागत। मैं हूं सनातन मेहता। आज मैं आपको फोटोकॉपियर मशीन का फिल्म के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे आपको, ताकि फिल्म से आपका जो जो दिक्कतें होता है, जो जो प्रॉब्लम होता है, क्या करना, क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस बारे में, फिल्म के बारे में आपको फोटोकॉपियर मशीन का डिटेल्स में कुछ आपको बोलेंगे, ताकि आपका वो इस इन्फॉर्मेशन से आपका मशीन सही तरीके से आप यूज कर सकें। तो चलिए आपको इस फिल्म से आपको हम दिखाएंगे फिल्म को बारे में आपको कुछ बोलने के, फिल्म में क्या दिक्कतें होता है, फिल्म से क्या क्या प्रॉब्लम आता है। तो चलिए आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। ये जो बाजार में आपको मिलता है, यहाँ पे लिखा रहता है कोई भी कंपनी का, वैरायटीज कंपनी के वैरायटीज बातें होता है। तो ये जो है फ्यूजर फिल्म बोला जाता है इसको। फ्यूजर फिल्म, फ्यूजर मतलब फिक्सिंग यूनिट में इसको यूज किया जाता है, इसको फ्यूजर फिल्म बोला जाता है। तो ये फ्यूजर फिल्म इसको कैसे क्यों यूज किया जाता है, तो ये जो आपका मशीन में कोई कोटिंग मार देता है, कोई भी दिक्कतें होता है, फिल्म टू फट चुका है, फिल्म खराब हो चुका है, तब जाके आपको फिल्म को चेंज करना पड़ता है। तो आप क्यों चेंज करते हैं, आपको सबसे पहले आपको चेंज करने के बाद कुछ चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये जो फिल्म है, फिल्म के देख लीजिए, फिल्म में एक साइड पे प्लेन है और एक साइड में देखिए व्हाइट से एक स्पॉट है, एक दाग है व्हाइट कलर का, पूरा साइड में नहीं है, इससे कुछ जगह में ही है, पूरा साइड में नहीं है, राउंड राउंड ये जब घूमता है फिक्सिंग यूनिट के अंदर, फिक्सिंग यूनिट के पास ही से जो कागज गुजरता है, इसी के पास से जो इमेज तैयार होता है, यहाँ से ही उसको पेस्टिंग किया जाता है। ये पेस्टिंग करने के लिए ये फिक्सिंग यूनिट ही सबसे बड़ा काम का चीज है। अगर फिक्सिंग यूनिट नहीं होता तो आपका फोटोकॉपी नहीं बनेगा, क्योंकि फिक्सिंग यूनिट के अंदर ये जो फिल्म रहता है, ये फिल्म एक्चुअली ये हीट सहन करने का बहुत सहम रहता है, जो हीटर रहता है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट हीटर के पास से अगर गुजर जाए, डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी आप फोटोकॉपी जिसको बनाए हैं, जो कागज उस फोटोकॉपी उस साइड होके निकलेगा, वो एक हीट टेम्पर देकर उस इमेज को वहाँ पे पेस्टिंग किया जाता है। तो ये अगर नहीं होता तो कागज जल जाएगा। तो इसीलिए इसको इसका अंदर हीटर रहता है, वो हीटर हीट होता है और तब जाकर ये हीट रहता है, उसी वक्त इसके ऊपर से गुजर जाता है, ये रोलिंग होता है, इसके साइड से कागज भी गुजरता है, कागज गुजरता है और जो इमेज रहता है वो यहाँ पे पेस्टिंग कराता है। ये पेस्टिंग कराने के बहुत काम देता है फिक्सिंग यूनिट में, तो ये बहुत जरूरी चीज होता है। तो ये जो स्पॉट है, ये जो व्हाइट कलर का स्पॉट दिखाई दे रहा है, नया है, तो ये व्हाइट कलर स्पॉट बहुत महत्व रखता है। ये व्हाइट कलर अगर इस व्हाइट कलर चलते चलते बहुत ज्यादा दिन चलते चलते बहुत मतलब 20,000, 30,000, 40,000 जब फोटो कभी चल जाता है, तब ये जो व्हाइट कलर रहता है, ये व्हाइट कलर थोड़ा घिस घिस के खराब हो जाता है, ये रोलिंग चलते चलते घिस घिस के खराब होता है। तो खराब जब हो जाता है तब कोटिंग मारता है, पेपर जैम दिखाता है। पेपर जैम का एक कारण है, यहाँ पे व्हाइट कलर में जब कोई भी गंदगी हो जाता है, मतलब यहाँ पे टोनर गिर गिर के काला सा हो जाता है या घिस घिस के खराब हो जाता है या व्हाइट नहीं रहता, उस वक्त आपको थोड़ा व्हाइट है थोड़ा नहीं है, लेकिन पूरा जब व्हाइट खराब हो जाता है तब आपको पेपर जैम भी करता है। तो पेपर जैम का ये भी एक कारण है, आपका जो पेपर जैम होता है फोटोकॉपियर मशीन से, आप लोग समझते होंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है, ये भी एक कारण है। इसका कारण, इस फिल्म का खराब हो जाने के कारण भी आपका फोटोकॉपी मशीन से पेपर जैम दिखाता है, और ज्यादा जब खराब हो जाता है तब आपको कोटिंग दे देता है, एरर कोड, मतलब आपको जो कोड देता है उस कोड में, कोड से आप समझ जाएंगे जो एरर कोड, एक ये जो कोड है फिल्म का कोड बहुत कोड रहता है, उस हिसाब से एरर कोड, इस फिल्म का कोड से आपको फिल्म बहुत जरूरी चेंज करना चाहिए, अगर नहीं चेंज करते तो नहीं होगा। तो फिल्म से भी दाग से आपको नहीं चेंज करना पड़ता है, ये अगर फिल्म फट जाता है, कहीं भी टूट जाता है, फट जाता है, उस वक्त भी आपको फिल्म का चेंज करना जरूरी है, और उस वक्त डायरेक्ट कोडिंग दे देता है वही, उस वक्त कोई भी पेपर जैम पहले से नहीं दिखाता, जब यहाँ पे गंदगी रहता है तब पेपर जैम दिखाता है। तो अब आपको ये अगर आप कर सकते हैं खुद अपने हाथों से, तो इसको क्लीन कर लीजिए, फिक्सिंग यूनिट खोल के यहाँ पे क्लीन कर लीजिए, या यहाँ पे अगर उठ गया है घिस घिस के, जब घिस घिस के ये जो स्पॉट व्हाइट कलर जो स्पॉट है उठ जाता है नहीं रहता, उस वक्त फिल्म को यूज कर सकते हैं। अगर फिल्म सही है तो नहीं फटा है, नहीं टूटा है, कहीं भी कुछ खराबी नहीं हुआ है, फिर इसको यूज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे व्हाइट कलर का किसी भी चीज से पेंट कर दीजिए, जैसे कि आपको व्हाइटनर से भी आप काम चले गए, व्हाइटनर से यहाँ पे व्हाइट कर दीजिए, फिर भी आप कुछ दिनों तक यूज कर सकेंगे, क्योंकि ये व्हाइट जो आप अलग से यहाँ पेंट करेंगे
वो व्हाइट पे फिर जल्दी गंदगी लग जाएगा, क्योंकि वो उतना प्लेन नहीं रहता, वहां पे स्मूथ नहीं रहता, इसलिए फिर उसमें जल्दी गंदगी लगता है। इसलिए फिल्म चेंज भी कर सकते हैं और उसको भी रिपेयर करके भी यूज भी कर सकते हैं, तो इसको चेंज करना ही बेहतर रहता है, नहीं तो थोड़े दिन में फिर आपको दिक्कत होगा। तो ये गया फिल्म के बारे में। फिल्म का कारण मैंने तो बोल ही दिया, पेपर जैम होता है। फिल्म का कारण आपको पेपर जैम और कोटिंग मशीन शट डाउन मांगता है, मशीन और काम करने के लिए नहीं रहता है, मेंटेनेंस बुलाने के ऑप्शन मिलता है उसमें, मशीन में बोलता है कोड एरर कोड, ऐसे बहुत सा कोड होता है, का वैरायटी से कोडिंग होता है, कैनन का बोलिए, जेरॉक्स कंपनी का बोलिए, कुछ भी कंपनी का अलग अलग कोडिंग रहता है, उस कोडिंग से आपको मालूम चलेगा जो आपका फिल्म खराब हो चुका है, उस कोडिंग का आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, जो इस कोडिंग ये कोडिंग कौन सा चीज का है, कौन सा प्रॉब्लम के लिए कोडिंग दिया जा रहा है, तो ये खराबी कारण कोड मारता है, टूट जाने के कारण भी कोड मारता है, तो उस वक्त आपको फिल्म को चेंज कर लेना चाहिए। तो एक है फिल्म के बारे में, और एक डिटेल्स आपको बोल दें, फिल्म जब आप चेंज करेंगे, फिल्म चेंज करने बाद एक चीज आपको बहुत जरूरी लगता है, वो है फ्यूजर ऑयल। ये जो ऑयल है, जैसे ग्रीस लगाते हैं गाड़ी में, कार में, कोई भी मशीन में, अगर आप कुछ भी ऑयल देते हैं, क्योंकि ऑयल देने के कारण है वो स्मूथ चलेगा मशीन, तो इसीलिए इसमें भी ये ऑयल देना बहुत जरूरी है। अगर ऑयल नहीं देना है तो ये जो अंदर फिक्सिंग टेम्पर का अंदर जो हीटर है, हीटर रहता है, वो हीटर में घूमने के लिए ये ऑयल देना जरूरी है, क्योंकि स्मूथ नहीं घूमने से पेपर जैम करेगा। जब ऑयल अगर नहीं देंगे, या ऑयल सूख गया है बहुत दिनों के बाद, ऑयल काम नहीं कर रहा है, बहुत दिन मेंटेनेंस भी उसका नहीं किया गया है, फिक्सिंग यूनिट को बहुत दिनों तक आप साफ नहीं की है, तब उसको खोल के साफ कर लीजिए, और ये फ्यूजर जो ऑयल है ये ऑयल डाल के फिर ये दोबारा लगाकर यूज कर सकते हैं, ताकि आपका फिर स्मूथ चले। स्मूथ चलने के लिए ये फ्यूजर ऑयल के बहुत जरूरी है, अगर स्मूथ नहीं चलेगा पेपर जैम होगा और मशीन रुक जाएगा, शट डाउन मांगेगा वगैरह वगैरह, कोड भी देगा, तो इसीलिए फ्यूजर ऑयल का बहुत महत्व रखता है। फ्यूजर ऑयल ऐसा एक चीज है जो हीट में, बहुत ज्यादा हीट में भी ये सूखता नहीं, दूसरा कुछ ऑयल दे देते हैं तो सूख जाएगा, लेकिन फ्यूजर ऑयल एक अलग चीज का ऑयल है जो टेम्पर में भी ये सूखता नहीं, तो इसीलिए इसको फ्यूजर ऑयल, ये जो फ्यूजर ऑयल इसी में लगता है फ्यूजर ऑयल, और दूसरा कुछ में लगता है, लेकिन फ्यूजर ऑयल ओनली फॉर इसमें लगेगा ही लगेगा, फ्यूजर ऑयल दूसरा ऑयल से काम नहीं होगा, तो फ्यूजर ऑयल इसको लगाने के बाद फ्यूजर ऑयल का जरूरत पड़ता है। ये फिल्म के बारे में अगर कोई भी सवाल पूछना है, कुछ भी जानना है तो फिल्म के बारे में, तो पूछिए, हम उसको हम जवाब भी देंगे। तो दोस्तों, ये फिल्म के बारे में अगर कुछ जानकारी आपको लेना है, तो ये तो जितना हम बोल दिए हैं तो ठीक ही है, अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हम उसको बारे में आपको आप कमेंट लिखिए, हम आपको उसका जवाब भी देंगे। तो ये फ्यूजर ऑयल के बारे में हमने डिटेल्स में बोल दिया, फ्यूजर ऑयल और फिक्सिंग यूनिट का फिल्म, ये जो फिल्म है ये फिल्म के बारे में बोले और फ्यूजर ऑयल के बारे में बोल दिए। फ्यूजर ऑयल फिक्सिंग यूनिट में लगाते वक्त, जो हीटर है उसमें लगाते वक्त हीटर के चारों ओर ये ऑयल देना पड़ता है, तब जाके ये काम करता है स्मूथली, अगर स्मूथली काम नहीं करेगा तो आपको मशीन में तरह तरीके का दिक्कत होगा, तो इसीलिए फिल्म को चेंज करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये फिल्म के बारे में अगर कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका जवाब भी देंगे, और भी इस फिल्म के बारे में कुछ जानकारी वीडियो भी चाहिए तो उसके बारे में हम वीडियो भी कर देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। ये जो फिल्म है कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, वह हार्ड कागज भी नहीं है, ये ऐसा एक चीज है जो हीट से ये आग में जलता भी नहीं है, ऐसा चीजों से इसको बनाया गया है जो ये इसको जलाने से आप जला भी नहीं सकेंगे, क्योंकि इसका अंदर 2000 हीटर टेम्पर, जो हीटर का टेम्पर रहता है ये 2000 का हीट इंस्टेंटली भी देता है, तो ये जलेगा नहीं, जो टेम्पर उसमें से जो टेम्पर निकलता है, जो फिक्सिंग यूनिट के अंदर जो हीटर रहता है उसमें जो टेम्पर होता है उस टेम्पर से जलता नहीं, तो ऐसा चीजों से ये बनाया गया है, इसको आप अगर आग में जलाओगे नहीं जलेगा, ऐसा चीज से बनाया गया है, एक कागज का चीज नहीं है, इसीलिए ये फिल्म कहा जाता है। ये फिल्म बहुत ही हार्ड है, इसका आग का, इसका जो हीटिंग का सहन शक्ति है बहुत है, ये हीट होता है तब जाके आपका इमेज छपता है और उस इमेज को पेस्टिंग भी कराता है, इसी के कारण ये अगर नहीं होगा तो आपका पेस्टिंग भी नहीं होगा, कोई इमेज भी क्लीन से
पेस्टिंग नहीं कराएगा, इसीलिए इसको चेंज करना चाहिए। और इमेज अच्छे करने के लिए आपको नया नया फिक्सिंग यूनिट में ये भी चेंज करना ही चाहिए। आपका कोई भी दिक्कत होता है, आपका अच्छा पेस्टिंग नहीं होता, आपका फोटोकॉपी जो डॉक्यूमेंट जो फोटोकॉपी निकालते हो फोटोकॉपी अच्छा पेस्टिंग में नहीं होता, उड़ जाता है, तो इसका भी कारण रहता है, ये घिस घिस के थोड़ा खराब होता है, उस वक्त चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अगर स्मूथ नहीं रहेगा तो आपका इमेज को थोड़ा खराब कर देगा। तो इसीलिए इसको हमेशा ही कुछ दिनों अंदर, कुछ दिन मतलब कम से कम आपका 20,000 तक कॉपी लेगा ही लेगा, 20,000 फोटोकॉपी कर लेता है तो इसको चेंज ही कर देना बेहतर होगा। 20,000-30,000 तक करता है, लेकिन उससे ज्यादा करना ठीक नहीं रहेगा। 20,000 सही है, 20,000 के बाद इसका घिस घिस के पूरा हालत खराब हो जाता है, इसीलिए इसको चेंज कर लेना अच्छा है, क्योंकि आपका इमेज अच्छा होगा। इमेज अच्छा करने के लिए इसको चेंज करना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ा मैंने बोल दिया था, पहले ही बोला है, यहाँ पे जो व्हाइट कलर दाग है, ये व्हाइट कलर दाग में कोई स्पॉट पड़ जाता है या घिस के उठ जाता है या गंदगी लग जाता है, मतलब टोनर या गिरता है टोनर के बगल से ही, तो टोनर किसी भी तरह से टोनर भी थोड़ा थोड़ा आके यहाँ पे खराब हो जाता है, उस वक्त आपका दिखाई देता है कि पेपर जैम, दो चार प्रिंट लेता है फिर पेपर जैम कर देता है। तो पेपर जैम का ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण रहता है, जिसके कारण पेपर जैम होता है वो बहुत कम आदमी जानता है। तो ये पेपर जैम का एक तो ये व्हाइट कलर जिस जगह से गुजरता है वहाँ पे एक सेंसर दिया गया है, वो सेंसर जब देखेगा यहाँ पे व्हाइट कलर उसको नहीं मिल रहा है तब वो पेपर जैम कर देता है। एक दो फोटोकॉपी तो लेता है, लेकिन बाद में जब रोलिंग करते वक्त वो जो सेंसर यहाँ पे काम नहीं करता, जब व्हाइट यहाँ नहीं वो सेंस मिलता है उसको सेंसर को, उस वक्त वो रुक जाता है, मशीन को पेपर जैम करा देता है, मतलब किसी भी हालत में इसको घूमते वक्त वो नहीं जब मिलता है वो स्टॉप हो जाता है या कोडिंग में मर सकता है, पेपर जैम कहीं पे पेपर जैम हो जाता है। फिक्सिंग यूनिट के अंदर जाते जाते हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, इसका कारण यही है जो ये गंदगी हो जाता है, उस वक्त जब गंदगी हो जाता है उस वक्त ही पेपर जैम होता है। पेपर जैम के बारे में हमने एक अच्छी बातें आपको बता दिए, जो नहीं जानता बहुत ज्यादा से ज्यादा आदमी नहीं जानता, जो पेपर जैम का ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहता है। तो जो लोग जानते नहीं तो वो लोग जान लीजिए, ये भी पेपर जैम का एक कारण है। तो आप अपना मशीन में चेक करके देखिएगा, पेपर जैम बहुत सा कमेंट मिलता है, लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाया अभी तक। पेपर जैम का बहुत सा कारण रहता है, सिर्फ फिल्म से नहीं होता, और भी बहुत कारण रहता है जिसके लिए आपका पेपर जैम भी होता है। तो पेपर जैम के बारे में ये भी एक कारण है। कुछ वीडियो अगर आपको मशीन के बारे में कुछ पूछना है, कैसा वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आप जैसे वीडियो मांगते हैं वैसा वीडियो हम आपको बनाएंगे। फिल्म के बारे में अगर और कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका जवाब भी देंगे। तो आज के लिए इस फिल्म के बारे में इतना ही, अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, मैं अगले वीडियो बहुत जल्द देने वाला हूँ, तब तक के लिए आते हैं।